उत्तर प्रदेश में इन दिनों निकाय चुनाव की धूम है। राजनीतिक पार्टियों से लेकर पार्टियों के पदाधिकारी इन दिनों जनता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और अर्जी सिर्फ इतनी कि इस बार निकाय चुनावों में उन्हें विजयी बनाएं। तो वहीं इन सब कश्मकश के बीच कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के द्वारा टिकट नहीं दिए जाने से नाराज हैं। ऐसे ही एक कार्यकर्ता है बांदा के प्रीतम गुप्ता, जो बरसों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब उनको पार्टी ने टिकट देने के वक्त नजरअंदाज किया तो उन्होंने अपना सिर मुड़वाकर विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। साथ ही 17 सालों से जिस पार्टी के लिए वो काम कर रहे थे उसी पार्टी पर पैसे लेकर टिकट देने का गंभीर आरोप तक लगा डाला। उन्होंने कहा कि मेरे पास इस आरोप का सबूत भी है जो कि सही वक्त आने पर वो सबके सामने रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी में मैंने पिछले 17 वर्षों से काम कर रहा हूँ। पार्टी में प्रचार विरहा 2 बार, वर्तमान में जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा के रूप में काम कर रहा हूँ। लेकिन पार्टी द्वारा टिकट वितरण में धांधली, बैलियों को पैसे देकर टिकट बेचा गया, इससे मैं आहत हूँ। और सत्ता योग्य होने के बावजूद, जिले में पदाधिकारी होने के बावजूद मेरी पत्नी का टिकट काटा गया, लेकिन जो है पैसे से टिकट बेचा गया है, इसके मेरे पास सबूत भी हैं। समय आने पर मैं इनको खोलूंगा। भी बता दें कि प्रीतम गुप्ता बांदा जिले के बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री हैं, जो कि पिछले 17 सालों से भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी जिला भाजपा सोशल मीडिया सेल की सह संयोजक है और पिछले 10 सालों से भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता हैं। बावजूद इसके, जब प्रीतम गुप्ता ने पार्टी से अपनी पत्नी के लिए नगर पंचायत तिंदवारी से टिकट मांगा तो उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद नाराज प्रीतम गुप्ता ने सिर मुड़वाकर पार्टी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया और उन्होंने पार्टी के नेताओं पर 15 लाख रुपए लेकर टिकट देने का गंभीर आरोप भी लगाया। फिलहाल भाजपा निकाय चुनाव में दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि नाराज कार्यकर्ता की बात में कितनी सच्चाई है और भाजपा, जो कि अपनी रणनीति बूथ स्तर पर बनाती है, वो इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेती है और इस मामले में क्या एक्शन लेती है। इंडिया पब्लिक खबर के लिए संवाददाता रामजी की रिपोर्ट। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।